मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर जनता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय परिधान को आगे करने के लिए भारतीय खादी रनवे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रजत श्री फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रियदर्शन ग्रुप के एमडी मनोज खन्ना, रौनक खन्ना एवं मिडास मल्टी ट्रेड भव्या इवेंट एक्सपोज, टैटू मूवर्स, डांस एकेडमी, मनोहर वाच, लुकबुक, शुभ स्टूडियो, अंकिता सोनार मेकअप स्टूडियो और यूथ विलर्स की पूरी टीम ने कार्यक्रम में सहयोग किया। जनता वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष गौरव सिंह कटियार ने बताया कि भारतीय संस्कृति को और भारतीय परिधान को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हमेशा हम लोग करते रहेंगे और बच्चों को भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में जनता वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम प्रदीप सिंह, मृदुला राठौर, हर्षित श्रीवास्तव, राजू कुमार, पीयूष पांडे, निखिल कुमार, अभिनव, विजय जायसवाल आदि पूरी टीम मौजूद रही। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। उसकी खासियत अभी तो उसकी शील है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज हम लोगों ने जनता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा होटल प्री दर्शन जीपी रोड में लोगों ने आज एक कार्यक्रम कराया भारतीय खादी रनवे नाइट। जो हम लोग ये रनवे नाइट करा रहे हैं इसी महीने में हम परिवर्तन करने करा रहे हैं। हमारे जो परिधान है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वही हम लोग दिखा रहे हैं। आज हम लोग हमारे साथ हमारे मनोज खन्ना जी, हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं। इस होटल का प्री दर्शन के ऑनर हैं और उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट भी किया और कल्चर को बढ़ाने के लिए। आज हम लोग वेन्यू पे बहुत शानदार वेन्यू पे हम लोग आज लोगों का संपन्न कर रहे हैं। इस वेन्यू पे हम लोगों ने जितना भी कार्यक्रम करा रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में कराया है और हर एक चीज़ में हम लोग पूरा कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको हमने फॉलो किया है। और मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा भारतीय परिधान है उसको आगे बढ़ाए। मॉडलिंग मतलब ये नहीं होता कि वेस्टर्न में बोल होता है, मॉडलिंग मतलब होता है कि हम इसमें कल्चर होता है, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट, हमारे भारतीय परिधान को रिप्रेजेंट करें, ये हमारा मेन मकसद है। हम सभी का मेन मकसद यही है। तो ये आपका मतलब पहला प्रोग्राम, किसके पहले भी आप प्रोग्राम कराते रहे हैं? जो है उससे बहुत सारे कार्यक्रम कराता आया है, बहुत सारे कार्यक्रम कराए आप लोग कभी तो अभी से पहले मैंने भारतीय खादी करा चुके हैं। ये सेकंड एडिशन है हमारा। उससे पहले मैंने डांडिया भी कराया था, हम लोग ने माँ आरती भी कराई थी। और जैसे कि और बहुत इवेंट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? इस इवेंट में टोटल 20-30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जो फाइनल में निकले उनके लिए आप कुछ खास जो बच्चों ने यहाँ पे आए हैं उनको हम लोग प्रदान करने के लिए उनको प्रदान कर रहे हैं उनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उनको प्रदान करने का बराबर। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे मातम हम ये लोगों ये समझ में चाहते हैं कि ये मातम जो हमारी कल्चर है, हमारी शादी है, जब हम छोटे चले आ रहे हैं उसको फिर से वापस लाए और जो हमारे जो भारतीय परिधान है उसको तो वापस लाए, इंडियन कल्चर को बढ़ावा दें, यानी कोई वेस्टर्न को बढ़ावा दें। क्या नाम है आपका? मनोज खन्ना जी। मनोज जी, आज क्या प्रोग्राम था, किस संबंध में आपको आना पड़ा, किस उस पर आए हैं आप? कैसे महसूस कर रहे हैं आज आप प्रोग्राम? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपना एक पार्टनर के तरीके से मुझको रिप्रेजेंट किया और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी। क्या अभी हाल ही में कोई मूवी वगैरह भी लॉन्च हुई है या कोई शॉर्ट मूवी या इस तरह का? देखा जाए तो इस समय कोरोना प्रोटोकॉल, इसके अलावा चुनाव आचार संहिता सब कुछ चल रहा है, ऐसे में आप कैसे इसको कर पाए? आगे बढ़ाएंगे ये सारी चीजें तो साथ साथ, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती है। नमस्कार, है मुस्कान दुआ जी। यहाँ क्या करने आई थी आप? मैं यहाँ पे मॉडलिंग करने आई थी। क्या करी थी मॉडलिंग में आपने? मैंने ऑफ कोर्स बेहतरीन डिजाइनर के बहुत सारे कलेक्शंस शोकेस किए थे रनवे में। जी जी। और आपने इससे पहले कहाँ किया था? इससे पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ फोटोशूट अपनी लैंडमार्क में। अच्छा, अब दूसरा रन आपका यहाँ पर है? हाँ, दूसरा ही मेरा यहाँ। तो आपकी तैयारी चलती रहेगी जी?
ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने सोचा हुआ है कि आगे ऐसे ही फ्रीलांस जो करती रहूँ। आप अपने बारे में क्या सोच रही हैं भविष्य के बारे में? भविष्य के बारे में मुझे ऑब्वियसली MBA मैंने एग्जाम दिया था कैट का, तो उसमें मेरा हो गया है सिलेक्शन। एंड मुझे अभी CGL का भी पेपर देना है जो अप्रैल में होने वाला है, तो मेरा मेन एम पढ़ाई से ही लेकर है, मॉडलिंग तो ऐसे ही एज अ फ्रीलांस। थैंक यू। आप यहाँ क्या करने आई थी? मैं यहाँ पे ऑडिशन करने आई थी। अच्छा, इससे पहले मैम कहाँ गया था हमने? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शोज किए हैं, लाइक दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। थोड़ा सा का शो किया था जनता वेलफेयर फाउंडेशन का जो लास्ट शो। फर्स्ट कहाँ आई थी आप? सॉरी, मतलब रीजन कहाँ बनी थी आप फर्स्ट? मैं मिस स्टार फेस इंडिया के हेल्ड हुआ था शो। अच्छा, और यहाँ क्या करने आई थी? मैं मॉडलिंग शो करने आई थी एज अ सोल शॉपर। ठीक, थैंक यू।